लातेहार पुलिस ने बहुचर्चित बीजेपी नेता जयवर्धन सिंह हत्याकांड का उद्भेदन महज 9 दिनों के भीतर कर दिया। हत्या के खुलासे से स्पष्ट हुआ कि अपराधियों ने अपने लेवी को लेकर उनकी हत्या की थी। खुलासे में यह भी पता चला है कि अपराधियों द्वारा ठेकेदार से पैसे लेने में जयवर्धन उनके रास्ते में अड़चन बने थे। बहुचर्चित बीजेपी नेता जयवर्धन सिंह हत्याकांड के बाद पुलिस ने एसआईटी की टीम गठित की थी, जिसमें पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ पुलिस ने हत्याकांड में उपयोग किए गए एक पिस्टल और मोबाइल भी बरामद किया। दिनांक 5/7/2020 को जयवर्धन सिंह की हत्या अपराधियों के द्वारा गोली मारकर की गई थी। इस कांड के अनुसंधान हेतु और इस हत्या में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था, जिसमें SDPO बरवाडी, SDPO महुआटार, इंस्पेक्टर बरवाडी, थाना प्रभारी बरवाडी, थाना प्रभारी मनिका, छिपा दोहर, दारू, इनको संलिप्त करते हुए विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया था। इस टीम को इस कांड में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त हुई है। चार अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम राहुल कुमार ठाकुर, सत्यम कुमार गुप्ता, अंशु प्रसाद और सुरेश परैया, ये 4 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। इसमें से राहुल कुमार ठाकुर ने जयवर्धन सिंह को गोली मारी थी और दूसरा सत्यम गुप्ता उर्फ सत्य, इसने भागने के क्रम में हवाई फायरिंग की थी, जिसका कि CCTV फुटेज भी हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इन अपराधियों के पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन्स बरामद किया गया है, जिस बाइक का प्रयोग किया गया था वो भी बरामद किया गया है। जिस हथियार से जयवर्धन सिंह को गोली मारी गई थी वो हथियार बरामद हुआ है। वहीं लातेहार SP प्रशांत आनंद ने बताया कि इस हत्याकांड का उद्भेदन पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसे लेकर SIT की टीम गठित की गई थी, जहां टीम ने बहुत ही बारीकी से जांच की। इस मामले में JJMP उग्रवादी संगठन से जुड़े बरवाडी निवासी सुरेश परहिया का नाम हत्या के साजिशकर्ता के रूप में सामने आ रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस गिरफ्तार अपराधी को रिमांड पे लेकर पूछताछ करेगी। ये इस कांड का उद्भेदन लातेहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण चुनौती थी और इसको SIT टीम के द्वारा पूर्ण किया गया है। इन सभी अपराधियों को हम लोग पुलिस रिमांड पर लेकर और गहनता से और पूछताछ करेंगे, ताकि ये जो अभियुक्त है इनके खिलाफ जो भी साक्ष्य है उनको हम लोग संकलित करके इन लोगों को सजा करवा दें। पिछले 5 जुलाई को BJP नेता बरवाडी थाना क्षेत्र के बाजार में देर शाम 7:30 बजे प्रज्ञा केंद्र के पास बैठे थे। इसी बीच अपराधी आए और नजदीक से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद अपराधी घटनास्थल से भाग निकले थे। इस हत्या के विरोध में लोगों ने सड़क जाम समेत कई आंदोलन भी किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, लातेहार।